हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्धचालक युक्तियां की। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अर्धचालक देखा था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने अगर वो पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको वहां सारी चीजें सीखने को जरूर मिले होंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और आज प्यारे बच्चों, जिन टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, और हर एक सत्र किसी न किसी बोर्ड में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूर्ण रूप से पूरी थ्योरी क्लासेस है, और बिल्कुल आसान भाषाओं का उपयोग करते हुए हमने जो उसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है वो सारी चीजें यहाँ पर लिख रखा है। केवल आपको समझाना है, और इतनी आसान भाषा आपको पूरे कहीं भी पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं कि आखिर सबसे पहले बात करेंगे अर्धचालक क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि अर्धचालक युक्तियां क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्धचालक पर आधारित वे सभी उपकरण जो अर्धचालक पर आधारित होते हैं वो अर्धचालक युक्तियां कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है, अर्धचालक की मदद से, अर्धचालक की सहायता से बनाए गए उपकरण, बनाए गए औजार अर्धचालक युक्ति कहलाती है। क्या आपकी इतनी बात क्लियर हुई? जो प्यारे बच्चों आपके यहां इंटर में पहले चार युक्तियों के बारे में पढ़ना रहता था। सबसे पहला होता था एलईडी, दूसरा होता था फोटोडायोड, तीसरा होता था सौर सेल, और चौथा होता था जेनर डायोड। परंतु 30% की जब सिलेबस की कटौती हुई तो उसके दौरान जेनर डायोड कई बोर्ड से बाहर निकाल दिए गए हैं प्यारे बच्चों। इसलिए तो आज हम केवल तीन डायोड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलईडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये एलईडी होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम समझते हैं एलईडी क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपके घरों में जलने वाली जो एलईडी होती है वो क्या करती है, सोचो क्या करती है? आपको प्रकाश देती है। देती कि नहीं प्रकाश? देती, प्रकाश देती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना कि एलईडी एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है, एलईडी पीएन संधि पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि विद्युत ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को अगर हम विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले उपकरण का नाम लें तो वो कौन सा होता है? एलईडी होता है। तो यही तो एलईडी की परिभाषा है। यानी एलईडी क्या है प्यारे बच्चों? तो एलईडी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में बदल देता है, और यह पीएन संधि पर आधारित होता है। तो ध्यान से देखना कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है। यहां लिखा गया है कि एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है जो बैटरी के विद्युतीय ऊर्जा को, ध्यान से देखना, जो बैटरी के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है उसको विकिरण ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है? वो एलईडी कहलाती है। और ध्यान से समझना इसकी तो अब हम एलईडी के बारे में चर्चा करेंगे कि एलईडी आखिर क्या होता है। तो पहली पॉइंट की चर्चा करें तो एलईडी पीएन संधि पे आधारित होती है, और एलईडी में जो पीएन संधि हम उपयोग करते हैं वो अन्य पीएन संधि की तुलना में इस पीएन संधि में ज्यादा मिश्रण किया जाता है। यानी हम बात करें प्यारे बच्चों, वही चीज लिखा गया है कि यह पीएन संधि जो एलईडी का जो पीएन संधि होता है वो अन्य पीएन संधि की तुलना में अधिक मिश्रण किया जाता है। मतलब नॉर्मली हम लोग जो पीएन संधि का मिश्रण करते हैं, नॉर्मली जो पीएन संधि हम लोग रखे रहते हैं उनमें ज्यादा जब हम मिश्रण करेंगे, ज्यादा अपद्रव्य मिलाएंगे, तब उसको हम एलईडी में उपयोग में लाते हैं। अगली बात क्या होती है प्यारे बच्चों, एलईडी जो होता है सदैव अग्रदिशिक की स्थिति में कार्य करता है। और ध्यान से समझना, जब एलईडी आपकी अग्रदिशिक में होता है तो यह विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? विकिरण का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। यानी कहने का मतलब है, यहां से हम इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं कि एलईडी एक ऐसा उपकरण होता है जो अग्रदिशिक में होता है, और सदैव यह अग्रदिशिक में कार्य करता है, और अग्रदिशिक में यह विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, विकिरण को बाहर की तरफ निकालता है। क्या आप इतनी बात समझे?
और प्यारे बच्चों एलईडी की जो संरचना है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। एलईडी की जो संरचना है, एलईडी का जो प्रतीक है, ये आपको यहां पर दिखाई पड़ा। अब क्या होता है ध्यान से देखना, एलईडी का जो ये पीएन संधि होता है ना, ये जो पीएन संधि होता है, पीएन संधि को हम एक ऐसे प्लास्टिक के अंदर ढक देते हैं, एक ऐसे कांच के अंदर ढक देते हैं जिसको प्रकाश आसानी से क्या कर सके, पार्स कर सके। यानी कहने का मतलब है कि ये पीएन संधि पूरे एक आवरण से ढका होता है जिसे प्रकाश क्या कर जाता है, पार कर जाता है। क्या आप इतनी बात समझे प्यारे बच्चों? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं, इस बैटरी से विद्युत ऊर्जा मिलेगी और इस विद्युत ऊर्जा को ये एलईडी जो है क्या कर देता है, विकिरण ऊर्जा एच न्यू में क्या कर देता है, बदल देता है। प्यारे बच्चों ये आर क्या होता, ये एक प्रतिरोध लगाया जाता है जो कि क्या करता है, एलईडी को नुकसान होने से, एलईडी को नष्ट होने से बचाता है। एक बार फिर से हम एलईडी की संरचना की बात करेंगे। एलईडी की संरचना क्या होती है कि इसमें एक पीएन संधि लगी होती है जिसको हम एक आवरण के अंदर, एक प्लास्टिक के अंदर ढक देते हैं जो कि पारदर्शी होना चाहिए जिससे उसे प्रकाश क्या कर सके, आसानी से क्या कर सके, पार कर सके। और साथ में एक बैटरी जोड़ देते हैं और उसी में एक प्रतिरोध लगा देते हैं जो कि एलईडी को नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक, ये रहा एलईडी का क्या हो गया प्यारे बच्चों, संरचना। अब हम समझेंगे एलईडी की जो है कार्यविधि क्या होता है, एलईडी की कार्यविधि क्या होती है। तो ध्यान से देखना, केवल एक बार आपको इतनी आसान भाषा में मैंने लिखा, पूरा मक्खन हो जाएगा प्यारे बच्चों। केवल आप पढ़ो, जब एलईडी को अग्रदिशिक में जोड़ा जाता है, जब एलईडी को क्या कर दिया जाता है, अग्रदिशिक में जोड़ देते हैं, तो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां देखो प्यारे बच्चों, बहुसंख्यक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संधि को पार करके पी क्षेत्र में, और जो पी क्षेत्र के क्वार्टर होते हैं वो एन क्षेत्र में आने लगते हैं। पहले इतनी लाइन आप क्लियर कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यदि हम एक पीएन संधि लेते हैं, एक तरफ का पी मान लेते हैं, एक तरफ का एन मान लेते हैं, और इनको हमको पता है कि पीएन को अगर यहां अग्र अभिनत करने के लिए पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन को किससे जोड़ा जाता है, निगेटिव से जोड़ा जाता है। अब ध्यान से देखिए, पी में कौन होता है प्यारे बच्चों, कोटर होता है। पी में कौन होता है, कोटर होता है, और एन में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है कि जो ही पीएन संधि को हम अग्र अभिनत प्रदान करते हैं, जैसे ही पीएन संधि को हम अग्र दिशिक में जोड़ते हैं, वैसे ही ये एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में चला जाता है, और ये पी क्षेत्र के जो क्वार्टर हैं वो संधि को पार करके एन क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो ये पी क्षेत्र के क्वार्टर हैं ये संधि को पार करके एन क्षेत्र में क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब आगे ध्यान से समझिए, इतनी बात समझाई, मतलब एन वाला इलेक्ट्रॉन पी में, पी वाला क्वार्टर एन में चला गया। आगे ध्यान से समझिए, आगे क्या कह रहा, इस प्रकार संधि सीमा पर यानी ये जो संधि की परिसीमा है, इसपे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण साम्यावस्था, मतलब अपनी सामान्य स्थिति से अधिक हो जाता है। ये समझो पहले प्यारे बच्चों। अब सोचो, यन में अल्पसंख्यक कौन था, कोटर था। अब जो ये कोटर है, ये वाले सारे जो कोटर हैं वो यहां पर रह जाएंगे, तो कोटरों की संख्या और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि संधि की जो परिसीमा थी वहां पर अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या अधिक हो जाती है। कब, जब इलेक्ट्रॉन अपना एन से पी की ओर चला जाता है, क्वार्टर पी से एन की तरफ चला जाता है, तब। आगे क्या कह रहा है, आवेश वाहकों की सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है मात्रा, साम्यावस्था से अधिक हो जाता है। पुनः साम्यावस्था स्थापित करने के लिए, मतलब पुनः अपनी अवस्था में लाने के लिए, सीमा के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग कर लेते हैं। सीमा के दोनों ओर के जो इलेक्ट्रॉन और कोटर रहते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और संयोजन की इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। इस प्रकार एक एलईडी कार्य करता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इतनी आसान भाषा में मैंने ये चीजें लिखी है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा, और आपके एग्जाम में अगर एलईडी पूछता है तो आप उसको छोड़ के कभी नहीं आओगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिससे सारी चीजें पूर्ण रूप से मक्खन हो जाए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझ रहे,
आपके एग्जाम में पूछता है एलईडी क्या है या एलईडी की कार्य प्रणाली आपकी व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले हमको लिखना है कि एलईडी एक ऐसा उपकरण होता है जो कि पीएन सनी पे आधारित होती है और यह अग्रभिनत में कार्य करता है। आखिर कार्य क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इतनी बातें लिखकर हट जाना है। फिर उसके बाद संरचना लिखना है। एलईडी में पीएन संधि लगी होती है तथा एक बैटरी लगी होती है और एक प्रतिरोध लगा होता है जो कि एलईडी को नष्ट होने से बचाता है। और ये जो पीएन संधि होता है पूरे प्लास्टिक के आवरण से ढका होता है, पारदर्शी प्लास्टिक होता है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या होता है, एलईडी की जो कार्यविधि होती है, अब क्या होता है कि एलईडी में लगा जो पीएन संधि होता है उसे हम अग्र अभिनत प्रदान कर देते हैं। अर्थात एलईडी को जब हम अग्र दिशिक में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि यन क्षेत्र का बहुसंख्यक, मतलब यन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी की ओर और पी के जो इलेक्ट्रोकोटर होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। परंतु जो संधि के सीमा के पास, संधि की जो सीमा होती है, जो संधि की परिसीमा होती, यहां अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ जाती है जिसको हम पुनः अपनी साम्यावस्था में लाने के लिए यहां उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं वो संयोग कर लेते हैं और संयोग करने की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और मुक्त हुई ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार एलईडी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? पहले बच्चों प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। ये एलईडी की संरचना। अब बात करेंगे, कभी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ये कहता है कि उसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। पहले बच्चों VI अभिलाक्षणिक वक्र, तो मैंने यहां पर आपको बनाया है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये अग्रधारा को व्यक्त कर रही है और ये वाली लाइन वोल्टेज को व्यक्त कर रही है। दाएं तरफ अग्र वोल्टेज है, बाएं तरफ पश्चिम वोल्टेज है। प्यारे बच्चों अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि एलईडी में वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, अग्र वोल्टेज को कुछ देर तक बढ़ाते हैं, लगभग 0.5 तक या 0.1, 2, 3, 4, 5 तक बढ़ाते हैं, तो जो एलईडी होती है वो आपकी क्रियाशील नहीं रहती। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक जब तक हमने वोल्टेज बढ़ाया है तब तक ये एलईडी का जो ये फर्स्ट भाग है और ये कौन सा भाग है, सेकंड भाग। तो फर्स्ट भाग में हम यहां से लेके यहां तक वोल्टेज बढ़ाए हैं परंतु एलईडी आपकी अक्रियाशील है। कहने का मतलब है कि अब तक एलईडी आपकी कार्य अवस्था में नहीं है, एलईडी यहां प्रकाश नहीं दे रहा, परंतु जैसे ही यहां से हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एलईडी का जो है आपकी क्रियाशील हो जाती है। ये कौन सी अवस्था होगी, क्रियाशील अवस्था, ये कौन सी होगी, अक्रियाशील अवस्था होगी। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों इस प्रकार हम लोग ये एलईडी का ग्राफ बनाते हैं। अब एलईडी का उपयोग कहां पर करते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। एलईडी का जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोग ऐसे एलईडी का जो उपयोग होता है कम प्रकाश में, या कह दिया जाए कि एलईडी आपका कम विद्युत का उपयोग करता है। यानी कहते हैं कि एलईडी के अंदर विद्युत की जो खपत होती है वो बहुत ही कम होती है। ये इनका आपका फर्स्ट उपयोग हो गया। फिर दूसरा उपयोग, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलईडी का उपयोग करने से विद्युत की जो है विद्युत की खपत की कमी होती है, यानी कम विद्युत का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। और कुछ प्यारे बच्चों एलईडी का उपयोग हम कहां पर करते हैं, सबसे पहली बात एलईडी का जो उपयोग होता है वो अलार्म के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद कहां करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग अगला कहां करते हैं, चोरों से सामान को बचाने के लिए एलईडी का उपयोग किया जाता है। चोरों से किसी कीमती वस्तु को बचाने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं कि उसमें घंटी लगा दी जाती है जिससे कि चोर चोरी करते तो बेल करने लगा या तो लप लुप करने लगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं एलईडी जो होती है हम लोग चोरों से या किसी भी कीमती वस्तु को बचाने के लिए किया जाता है। आगे क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है एलईडी का जो उपयोग होता है वो प्रकाशी कंप्यूटरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रकाशी कंप्यूटरों में किया जाता है। फिर अगला, एलईडी का उपयोग कैलकुलेटर में अंक व शब्द को प्रदर्शन करने में किया जाता है। जो कैलकुलेटर के जो अंक होते हैं उसमें भी एलईडी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों इस प्रकार हम लोग एलईडी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्यान देना एलईडी पश्चिम दिशा में कभी कार्य नहीं करती क्योंकि पश्चिम दिशा में एलईडी अधिकतर नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आपका एलईडी खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको एलईडी समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट युक्ति की बात करेंगे जो कि हमारा है नेक्स्ट युक्ति फोटोडायोड। तो गाइस हमारी जो अगला टॉपिक था वो था फोटोडायोड। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इस बात को ध्यान से समझना और 100% श्योर है कि ये प्रश्न जो है आपका कि इस बार क्वेश्चन आपके प्रश्न में आने वाला है। 100% श्योर है प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना क्या होता है, यह एक ऐसी
यह एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाशी संकेतों के संसूचन के काम में आता है। अब कहोगे सर जी आप ये कौन सा वर्ड रख दिए, है तो हिंदी वर्ड परंतु आप नहीं जान रहे इसका मतलब। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसका अर्थ होता है अच्छे से प्रकट करने में, करने का मतलब है कि अच्छे तरह से दिखाने में। ध्यान से समझिए भैया, इसका मतलब होता है अच्छे तरह से प्रकट करने में, यही है इसका मतलब। ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशी संकेतों के संसूचन के प्रयोग में की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रकाशी सिग्नल होता है, जो प्रकाशी संकेत होते हैं, वो अगर कहीं पर अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ता रहता है, तो अगर हम फोटोडायोड का उपयोग कर दें तो वो प्रकाशीय संकेत काफी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ने लगता है। एज एग्जाम्पल मैं कहूं कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जो आपका सिग्नल लगा रहता है, एक रेड कलर का बल्ब जलता रहता है, एक पीला कलर का जलता रहता है, प्यारे बच्चों एक ग्रीन कलर का जलता रहता है, ये R हो गया, ये Y हो गया, ये G हो गया। अगर अगर प्यारे बच्चों ये सिग्नल अगर आपको कहीं पर, आप यहां पर खड़े हैं और ये सिग्नल आपको अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसका उपयोग कर दें तो फोटो डायोड का अगर यहां पर उपयोग कर दें तो ये वाला जो सिग्नल है वो आपको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से दिखने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि फोटोडायोड एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता है, प्रकाशीय सिग्नलों को अच्छे तरीके से प्रकट करता है, अच्छे तरीके से दिखाता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन के काम आता। अब इसकी अगली पॉइंट क्या होती है कि जो फोटोडायोड होता है वो पीएन संधि का बना हुआ एक अर्धचालक होता है। मतलब कहने का मतलब है कि फोटोडायोड भी एक पीएन संधि पर आधारित उपकरण है, और जो जो किस दिशा में काम करता है, पश्च दिशा में काम करता है। प्यारे बच्चों इस बात को गौर से फरमाइए, देखिए यानी फोटोडायोड जो होता है वो पीएन संधि पर, किस पे, पीएन संधि का बना हुआ होता है, और ये किस दिशा में काम करता है प्यारे बच्चों, पश्च दिशा में कार्य करता है। किस दिशा में कार्य करता है, पश्च दिशा यानी उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। अब अगली पॉइंट इसकी क्या है, अगली पॉइंट मेन पॉइंट यहां देखो प्यारे बच्चों कि ये क्या कह रहा है कि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्यारे बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित होता है। यानी हमने इससे पहले वाले कुछ क्लासों में मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उस सिद्धांत पे आधारित होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का है, जहां हमने हालवाक्स और लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में भी चर्चा किया था, वहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने बताया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो फोटोडायोड होता है वो बना कैसे होता है। ध्यान से देखिए यहां पर इसकी संरचना यहां पर दिखाई पड़ रही है। फोटोडायोड में एक पीएन संधि लगी होती है, फोटोडायोड में एक पीएन संधि लगी होती है जो जिसमें एक बैटरी लगा होता है और एक क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है। प्यारे बच्चों ये प्रतिरोध क्या करता है, फोटोडायोड को नष्ट होने से बचाता है, और वो वोल्टेज क्या होता है, वो करंट देता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, करंट प्रवाहित करता है। ध्यान से समझना कि जो ये पीएन संधि होती है वो बैटरी के साथ पश्च अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में, पश्च दिशिक में जुड़ा होता है। अब आप कैसे जान गए पश्च अभिनत, बताया गया है प्यारे बच्चों कि जब पीएन संधि का जो यन सिरा होता है, जो पीएन संधि का यन सिरा होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, और जो पी सिरा होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार की अभिनत को पश्च अभिनत कहते हैं। इसीलिए तो पहली लाइन यहां बताई गई है कि जो फोटोडायोड होता है वो पश्च दिशिक में कार्य करता है। तो एक बार हम फोटोडायोड की संरचना के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। फोटोडायोड में एक पीएन संधि लगी होती है जो कि पश्च दिशिक में बैटरी के साथ जुड़ा होता है, और इसमें एक प्रतिरोध लगे होते हैं जो कि फोटोडायोड को नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। प्यारे बच्चों तो इस प्रकार हम इस फोटोडायोड को समझ सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके कार्यविधि की, फोटोडायोड की कार्यविधि क्या है। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने आपको ये लिखा है, बहुत ही शॉर्ट रूप में, जैसे कि आप आसानी से एग्जाम में प्रिपेयर करके इसे लिख सके। ध्यान से समझिए क्या होता है कि जब फोटोडायोड को पश्च दिशिक में जोड़ा जाता है तो संधि के दोनों ओर के अल्पसंख्यक आवेश
संधि को पार करते हैं। ध्यान से समझिए, अब मैंने क्या कहा, एक आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये पी हो गया, ये क्या हो गया, यन हो गया। अब पी में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, होल जिसे कहते हैं एच, ठीक। यन में अल्पसंख्यक कोटर होता है और पी में अल्पसंख्यक ई होता है इलेक्ट्रॉन। अब इनको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कि इनको उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं, यानी कहने का मतलब है कि पश्च अभिनत में जोड़ते हैं। किस अभिनत में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, पश्च अभिनत में जोड़ते हैं। जैसे ही पीएन संधि को किस अभिनत में जोड़ दिया जाता है, पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है, पश्च दिशी किया जाता है, तो जो एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश हैं, जो कोटर हैं, ये संधि को पार करके पी क्षेत्र में जाने लगते हैं, और जो पी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन होता है, वो संधि पार करके एन क्षेत्र में जाने लगता है। क्या आप इतनी बात समझे? यानी जब हम पीएन संधि को पश्च अभिनत प्रदान करते हैं, तो यन क्षेत्र का जो कोटर है वो पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक आवेश हैं इलेक्ट्रॉन, वो एन क्षेत्र में जाने लगते। यही चीज बता रहा, देखिए, संधि को पार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी सी धारा उत्पन्न होती, एक लघु धारा, एक नाममात्र का धारा पूरे संधि में प्रवाहित होती। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या कम होती है, इसी कारण धारा भी कम होती है। तो यदि यदि इसी समय इस पीएन संधि पर यदि इसी समय पीएन संधि पर हम क्या कराएं, आप प्रकाश किरण आपतित कराएं, क्या करा दें, प्रकाश किरण आपतित करा दें। क्या कर रहा है कि यदि इसी समय पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश आपतित कराएं, ये नहीं कि कम प्रकाश होना चाहिए, इतना ज्यादा प्रकाश ऊर्जा अगर हम उस पर आपतित कराएं कि संधि पर बने सहसंयोजक बंध, ये जो संधि के समीप, तो गाइस हमारी जो है तीसरा युक्ति है सौर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल के भी नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। सौर सेल है जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। ध्यान से समझना, सोलर सेल यानी सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सूर्य के प्रकाश को लेकर हमको क्या देता है, विद्युत देता है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि सौर सेल पीएन संधि पर, किस पे प्यारे बच्चों, पीएन संधि पर आधारित, ये पीएन संधि पर ये भी आधारित है, पीएन संधि पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को, किसमें कन्वर्ट कर देता है प्यारे बच्चों, भाई विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे सौर सेल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सोलर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को प्रकाश विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता, बदल देता है। यानी पीएन संधि को पर आधारित एक ऐसा ये उपकरण बनाया जाता है जो सूर्य से प्रकाश को लेता है और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा हमको दे देता है। यही होता है प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा। अब ध्यान से समझना, इसकी संरचना हमने यहां पर बना के रखा है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। आइए हम इसके संरचना के बारे में धीरे धीरे सबकी जानकारी लेते हैं, आखिर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, इसमें जो पी क्षेत्र होता है यह एक पीएन संधि पर आधारित होता है, तो इसका जो पी क्षेत्र होता है वो काफी पतला होता है, पी क्षेत्र काफी पतला होता है, और यन क्षेत्र क्या होता है, मोटा होता है। अब पी क्षेत्र काफी पतला होने का कारण क्या होता है कि पी क्षेत्र पतला इसलिए बनाया जाता है कि जिससे पी पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश, ये देखिए प्रकाश है, पी पे पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश संधि पर पहुंच जाए, संधि पर पहुंच सके, इसलिए पी क्षेत्र काफी पतला बनाया जाता है और यन क्षेत्र क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि पीएन संधि पर आधारित सोलर सेल एक युक्ति होती है जिससे हम विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब इसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है, लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद पी क्षेत्र काफी पतला होने का कारण क्यों होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जिससे सूर्य का पूर्ण रूप से प्रकाश संधि पर पहुंच सके, इसलिए इसका पी क्षेत्र काफी पतला बनाया जाता है। अब अगला क्या होता है, ध्यान से देखना, पी क्षेत्र के ऊपर अंगुली नुमा, ये देखिए अंगुली नुमा जो होते हैं, ये देखिए ये अंगुली नुमा जो होते हैं, एक धातु लगी होती है जो इलेक्ट्रोड के भांति व्यवहार करता है। प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से बता रहा हूं,
पी क्षेत्र के ऊपर उंगली नुमा धातु लगी होती है जो इलेक्ट्रोड के भाग व्यवहार करता है, जो कि आपको आकृति में यहां दिखाई पड़ रहा है। उंगली नुमा इलेक्ट्रोड होता है प्यारे बच्चों, सॉरी एनोड की भाग व्यवहार करता है। किसकी भाग व्यवहार करता है? एनोड की भाग व्यवहार करता है। अगला ध्यान से देखिएगा, यन क्षेत्र के नीचे, यन क्षेत्र के नीचे, पी ऊपर हो गया, यन नीचे हो गया, यन के नीचे एक धातु की परत लगाई जाती है, वो कैथोड की भांति व्यवहार करता है। ये यहां पर दिखा रहा है बच्चों, यानी धातु यन, जैसे ये पी हो गया, ये यन हो गया, फिर यन के नीचे जो परत लगाया जाता है, जो धातु की परत लगाई जाती है, वो कैथोड के भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार पीएन संधि की हम संरचना लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पीएन संधि में पीछे सोलर सेल पीएन संधि पे आधारित होता है, या पीएन संधि मिलाकर बना होता है, जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है। पतला इसलिए बनाया जाता है जिससे कि सूर्य का संपूर्ण प्रकाश संधि पर पहुंच सके। पी लगभग 0.2 माइक्रोमीटर पी की चौड़ाई होती है, और यानी कि जो है 0, कितना है पहले बच्चों, कितना है, 3.300 माइक्रोमीटर लगभग चौड़ाई यन का होता है। अब आगे क्या होता है, ध्यान से देखना, आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि पी क्षेत्र के ऊपर अंगुली नुमा धातु का एक छड़ लगा होता है, जो किसकी भाग व्यवहार करता है पहले बच्चों, एनोड की भाग व्यवहार करता है, और यन क्षेत्र के नीचे एक धातु की चादर लगाई जाती है जो कैथोड की भाग व्यवहार करता है। ठीक, इस प्रकार जब हम पी क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित कराते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं कार्यविधि में। ध्यान से देखिए, कार्य प्रणाली क्या होती है कि जब जब सोलर सेल के पी पृष्ठ पर सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है, ये देखिए पी पृष्ठ पर सूर्य की प्रकाश किरणें क्या कराई जाती है, आपतित कराई जाती हैं, तो ये सूर्य का संपूर्ण प्रकाश पी क्षेत्र को पार करके संधि पर पहुंच जाता है। तो देखिए आगे लिख रहा है कि सूर्य का प्रकाश पीएन संधि पर पहुंचकर वहां उपस्थित सहसंयोजक बंधों को क्या करता है, तोड़ देता है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो हम लोग इतनी देर तक सारी क्लासे में पढ़ा था कि संधि के पास सहसंयोजक बंध बना रहता है, तो क्या करता है कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें पी क्षेत्र पे पड़ता है और पी क्षेत्र को पार करके संधि पे पहुंच जाता है, संधि पे बने सहसंयोजक बंध को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो वहां इलेक्ट्रॉन और कोटल उत्पन्न हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन और कोटल उत्पन्न होगा। देखिए आगे लिखा है, तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न कर देता है। अब ध्यान से समझिए आगे की लाइन क्या हो रहा है। अब पी क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, यानी मैं आपको अगर डायग्राम बनाऊं तो ये पी हो गया और ये क्या हो गया, यन हो गया। अब एक जो पी क्षेत्र पे सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित हुई थी, तो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ था, एक कोटर उत्पन्न हुआ था, तो जो ये पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है वो देखिए क्या कह रहा है, वो देखिए क्या कह रहा है कि पी क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण, अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र जो स्थापित होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण एन क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। मतलब मिला जुला के कहानी ये है कि पी क्षेत्र का सारा जो इलेक्ट्रॉन होगा सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित कराने से, जब इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण एन क्षेत्र में चले जाते हैं। और आगे क्या कर रहा, ध्यान से देखिए, और क्या कर रहा प्यारे बच्चों, और जो कोटर होते हैं, जो ये कोटर होते हैं, ये कोटर कहां आ जाते हैं, पी क्षेत्र में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं प्यारे बच्चों, पी क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे क्या कर रहा है, तथा एन क्षेत्र में उत्पन्न कोटर पी क्षेत्र में आ जाते हैं, और परिणाम स्वरूप एन क्षेत्र का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक मिनट फिर से ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, एक लाइन हम लोग यहां देखिए यहां पहुंचे थे, सहसंयोजन बंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न किया, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हुए, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में चले गए, यहां देखिए यन क्षेत्र में क्या होते हैं, चले जाते हैं, और कोटर पी क्षेत्र पर आ जाते हैं, कोटर पी क्षेत्र पर आ जाते हैं। तथा अब ध्यान से देखिए आगे क्या कर रहा, तथा एन क्षेत्र में उत्पन्न कोटर, तथा एन क्षेत्र में उत्पन्न कोटर, यानी यहां भी तो इलेक्ट्रॉन और कोटर का युग्म उत्पन्न हुआ था, तो जो एन क्षेत्र में ये कोटर है, ये जो एन क्षेत्र में कोटर है, ये कोटर भी पी क्षेत्र में चले आते हैं, ये कोटर भी पी क्षेत्र में क्या आते हैं, चले आते हैं। देखिए कह रहा पी क्षेत्र में आ जाते हैं, अतः परिणाम स्वरूप, अतः इसी के बाद देखा जाता है कि यन क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रॉन रहता है और पी क्षेत्र में केवल क्या रहता है, कोटर रह जाते हैं। यानी यन क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रॉन बसता है, पी क्षेत्र में केवल कोटर बसते हैं। इस प्रकार ये जो है पी क्षेत्र आपका धन प्लेट काम करने लगता है और यन क्षेत्र ऋण प्लेट का काम करने लगता है। देखिए लिख रहा है
कि जिसके कारण पी और एन प्लेटों के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट। जब विभवांतर स्थापित हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पी वाले प्लेट से एक तार लगाकर और एन वाले तार से एक प्लेट लगाकर अगर हम बल्ब जलाना चाहें तो बल्ब आसानी से जला सकते हैं। इस प्रकार सोलर सेल क्या होता है, कार्य करता है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे, क्या होता है कि जब सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पीएन संधि के पी वाले प्लेट पर आपतित होता है, तो पी क्षेत्र काफी पतला होता है जिससे सूर्य का संपूर्ण प्रकाश पी को पार कर जाता है, और पी को पार करने के बाद संधि पे पहुंचता है और संधि पर जो सहसंयोजी बंध होता है वो तोड़ देता है। जैसे ही सहसंयोजी बंध तोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर का युग्म उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में चले जाते हैं और कोटर पी क्षेत्र में चले जाते हैं। उसके बाद जो यन क्षेत्र का कोटर होता है वो सारा कोटर पी क्षेत्र में चला आता है, जिसके कारण पी क्षेत्र में सारे कोटर हो जाते हैं और यन क्षेत्र में सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार पी और यन के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और पी और यन से तार जोड़कर हम लोग बल्ब जला सकते हैं। इस प्रकार सोलर सेल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और प्यारे बच्चों, सोलर सेल का जो उपयोग होता है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। विद्युत की अनुपस्थिति में, विद्युत की अनुपस्थिति में सोलर सेल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और सोलर सेल की सहायता से हम लोग वहां पर विद्युत पहुंचा सकते हैं, वहां पर विद्युत आसानी से पहुंचाई जा सकती है। जहां विद्युत को ले जाना बहुत ही कठिन होता था वहां तक हम लोग विद्युत को पहुंचा सकते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार सोलर सेल का उपयोग हम लोग करते हैं। आई होप कि आपकी आज की क्लासे में जो मैंने अर्धचालक युक्तियां सारी बताई थी प्यारे बच्चों, वो सभी आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जितनी मैंने आज बताई है, जितनी तीनों युक्तियां बताई है, वो तीनों युक्तियां आपके एग्जाम में एक बूस्टर डोज के बाद व्यवहार करने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। अगर आप सहमत हैं कि आपको समझ में आ गया है तभी सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा, अन्यथा प्यारे बच्चों नहीं समझ में आया है तो मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद।